can't leave you, but you can leave me alone now, babe. Thank you so much. इनके लिए जोरदार तालियां, गोरी गोरी लड़कियों के लिए कमाल। कपिल के इस नए घर की जलवा जुम्बिश में आप सबका स्वागत है। पाजी, किसी ने कहा कि घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और वाकई बड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए हमने रेडीमेड ले लिया। बना बनाया दिमाग खराब है दादी, सीढ़ियां ऊपर भी जाती नीचे भी जाती। तो पहले वाली सीढ़ी कौन सा तेरे को ऊपर छोड़ के बाद में घर निकल जाती थी? वो भी तेरे को नीचे लेके आती थी? ऐसी भी कोई सीढ़ी होती है जो सिर्फ ऊपर जाती हो बाद में नीचे आती ना? होती है ना, हाँ, यमलोक की। तो जब तुझे पता है ऐसी सीढ़ी होती तो चढ़ती क्यों नहीं उस पे? चढ़ना। नए घर में आए है, शुभ शुभ बोल, हट, जब भी देखो तो ऊपर भेजना चाहता है मुझे। रकम भी अगर पाजी, बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि घर जो है वो प्यार से बनता है। हाँ। पर मेरा मानना है कि घर सीमेंट और रेत से बनता है। आपने कभी देखा है मिस्त्री को ईंट को ऐसे करके ऐसे टिकाते हुए कि ऐसे दीवार बन रही है, ऐसे होता है कभी? घर किसको कहते हैं गुरु, ये उनसे पूछो जिनके पास घर नहीं होते। फुटपाथ पे सोए लोग अक्सर ये पूछा करते हैं कि जिनके पास घर होते हैं वो घर क्यों नहीं चले जाते। वाह! और फुटपाथ पे बैठे हुए लोग एक चीज और सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं सिद्धू बाजी को कैसे पता चल जाता है। लेकिन बाजी, हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा गरीब ना हो जिसके पास रहने के लिए सर पे छत ना हो। हर एक आदमी के पास अपना एक घर जरूर होना चाहिए। इसी के ऊपर एक शायर की बड़ी खूबसूरत पंक्तियां याद आई हैं। किसी शायर ने खूब कहा है कि इस दौर में वफा की उम्मीद क्या करते हो, इस दौर में वफा की उम्मीद क्या करते हो, वो दौर और था जब लोग सच्चे घर कच्चे और 10-15 बच्चे हुआ करते थे। इस नए घर को देखे मुझे अपने घर की याद आ गई। मायके घर की? घर को देखे नहीं, रोड को देख के याद आई होगी तेरे को। घर को देख के याद आ गई, यही सोते थे। इसका बाप इधर सोता था, इसकी माँ जैबरा लाइन पे। जब कभी लड़ाई होती थी इसकी माँ कहती थी मैं लड़के जा रही हूँ आपका घर छोड़ के, सड़क के दूसरी तरफ चली जाती थी। क्या तुम लोग जब देखो बकवास करते रहते हो। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपने घर वापस आ गई हूँ, वरना उस गांव में जीना मुश्किल हो गया था पाजी। वो तो अभी भी गोबर की स्मेल आ रही है। अरे छी, चली जाएगी 10-15 दिन में। जब तू नई नई ब्याह आई थी तेरे गोबर की स्मेल जाने में भी तो 6 महीने लगे थे कि नहीं? तुम्हारे मायके में भैंसे कौन सा गोबर करने से पहले डीओ लगाती थी हैं? इतनी बेइज्जती कराई ना पाजी इसने मेरे गांव में। हम लोग जितने दिन भी गांव रहे, दो बैल जा रहे थे उसको देख के, वाह व्हाट ए ग्रेट कपल। अरे मैंने समझाया बेवकूफ लड़की, वो कपल नहीं, दोनों का जेंडर सेम है, दोनों बैल है। तो बाद में कहते वाह अच्छा गांव में भी ये सब होने लगा आजकल। पागल थी। जब देखो गाय भैंस बकरी मुर्गी इन्हीं के बारे में बातें करते रहते हो, इसलिए गांव से बकरी उठा कर लायो ना। तो ऐसे खबरदार उसको बोला तो कुछ, पता कितनी प्यार करती है वो मुझे और तेरी भी कितनी इज्जत करती है। कल मेरे को बोल रही थी, कहती हम लोग एक ही घर में दोनों बहनें रहेंगी, कितना मजा आएगा। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा तुम दोनों तो रह लोगी लेकिन मेरी कंफ्यूजन कौन दूर करेगा कि मेरी दोनों में से पत्नी कौन है। कंफ्यूजन गांव में होता है पाजी, जिस नाले में भैंसे नहाती है उसी में गांव की औरतें भी। छी, जब भैंसों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तेरे को क्या बे? अरे कम से कम गांव में मान मर्यादा का तो ख्याल रखा जाता है कि नहीं? हाँ। जानती हूँ मान मर्यादा के बारे में सिद्धू पाजी, वहां पे इतना लंबा घूंघट रखना पड़ता था मैं क्या बताऊं। और सारे गांव वाले ठहरे इसके रिश्तेदार, जितने बूढ़े दादा जितने जवान चाचा सबके पेट छूते छूते मेरी कमर टूट गई। शक्ल मुझे किसी की याद नहीं, पांव सबके याद है मुझे, टेरे मेरे गंदे छी। सब के सब इतने कमीने, घूंघट में थी लेकिन फिर
मुझे। तो एक बार घूंघर उठा के दिखा रही थी, कोई घूर जाता मेरा नाम बदल देती। तुम जैसे आदमी को खूबसूरत बीवी कभी नहीं मिलनी चाहिए। तो मिली भी कहाँ है? बंदर के जाने अदरक का स्वाद है ना पाजी? बिल्कुल करेक्ट। चल मैं बंदर सही, तू तो मान गई ना, तेरा मुंह अदरक जैसा है। नया घर एंजॉय करते हैं बाजी। एक मिनट साहब जी, एक मिनट ला कर ला एंजॉय। नारियल एक तो सीटियां मारनी शुरू कर दी, चौका मारा मैंने। साहब जी मुझे एक बात बताओ, नारियल आपने फोड़ा नहीं है, घर में काम करने शुरू कर दिए आपने? ए नारियल कहां से लाए? टमाटर फोड़ दे, टमाटर फोड़ दे। ये आपने घर बनाया कि बैंगन का भट्टा बनाया? और साहब जी आप मेरी बात सुनिए, आपने मेरे साथ ना धोखा किया है। आप आपको बताओ हमारी बात क्या हुई थी? हमारी बात हुई थी कि इस घर के सिर्फ चार लोगों का काम करूंगा मैं, आपका, मेम साहब का, बुआ का और दादी का। इस बकरी दीदी के बारे में तो आपने बताया नहीं मुझे। हाँ तो इसके कौन सा कपड़े धोने पड़ते तेरे को? कौन सी फ्रॉक पहनती वो? कपड़े नहीं धोने पड़ते, बाद में जो फर्श धोना पड़ता है वो। सिद्धू पाजी सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि ये अपने हमारी मेम साहब है ना, उनकी जो काले मोतियों वाली माला बिखरी पड़ी है, बाद में मैंने मोती उठाए देखा सारे मोती मेरे हाथ से चिपके पड़े। इतने सॉफ्ट मोती, मैंने सोचा हो सकता है बाहर से आए हो, अब पता चल रहा मोती तो अंदर से आ रहे हैं। और साहब जी मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूँ, इस घर में जहाँ तो मैं रहूंगा जहाँ ये बकरी रहेगी। बकरी रहेगी? क्या बकरी रहेगी? श्योर? वो दूध देती, तू दूध देगा? ठीक है साहब जी, ठीक है फिर, मेरी भी एक शर्त है। क्या? आप फटाफट से मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। चल ठीक है बढ़ा दी। क्या? अबे बढ़ा दी बे, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इतनी जल्दी तो वो मानता होता जिसने आगे जाकर धोखा देना होता, तनख्वाह नहीं देनी होती। जब तेरे को पता है, जब तेरे को पता है तो क्यों बकवास कर रहा है? जा जाके फटाफट मेरे लिए खाने के लिए लेके आ कुछ, जा। मटन खाएंगे आप? अगर बकरी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तेरी मैं टांगे तोड़ दूंगा, समझ में आया? मटन खाऊंगा सालो, 2 रुपए के पकौड़े खा रही तुम्हारी औकात रही, और बेचारी किसी की बहू बेटी देख के उसका मटन बनाने की सोच रहे। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? मेरे लिए लड़ रहे हो? आपके लिए नहीं लड़ रहे, बकरी के लिए लड़ रहे हैं ये। क्या? शर्त नहीं आती, मेरी बहू को बकरी कहता है तू? बहू का बकरी नहीं कहा उसने, बुड्ढन। तो क्या बकरी को बहू का? नहीं 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 ना, 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 के बच्चे आइंदा अगर ऐसा कुछ किया ना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। ना तो मैंने बहू को बकरी कहा, ना बकरी को बहू कहा है। और कहना भी मत, ये मत भूल ये मेरी बहू है। अगर आज के बाद उसे कोई बड़ी होट वाली लोमड़ी कहेगा तो सिर्फ पिट्टू कहेगा। ताली, क्या? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, तू जा, तू जीत करके दिखा, तू बता इनको कितनी जीती, तू चली जा। क्या? तू जा, मैं तो बताऊं। अरे पिच्छू क्या है बहू, पिच्छू बच्चे, आज पहला दिन है हमारा इस नए घर में और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। कान खोल के सुन लो सबके सब, आज के बाद इस घर में कोई पुरानी बात नहीं करेगा। हाँ, समझे? बिल्कुल। जाओ मेरे लिए पैक बना लाओ। ये बड़ी ब्रांड न्यू बात की तूने, ये बड़ी ब्रांड न्यू बात की तूने। सिद्धू भाजी हुकम, जैसे मैं मल्टी टैलेंटेड हूं वैसे ही आज जो मेरी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए शख्सियत आ रही है वो भी ऑल इन वन है। वो डायरेक्टर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो कोरियोग्राफर हैं, वो एक्टिंग भी कर लेती हैं,
वो बड़ा कुछ कर लेती है एक्चुअली वाली, क्या क्या बताऊं मैं, इन्हीं चक्कर में थोड़ी ना पड़े रहना है। उनकी और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो मैं उनके आने के बाद बताऊंगा। सो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वन एंड ओनली फराह खान। फराह कपिल, यस, मैं एक और क्वालिटी तुमने जोड़ी नहीं, तो कौन सी वाली? मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की सबसे बड़ी फैन हूँ। एक्सक्यूज मी, वेयर इज माय सिक्योरिटी? मुझे तो लगा था आप इतने सारे काम करती हैं, टाइम लग जाता है आपको कॉमेडी नाइट्स देखने का? मैं कॉमेडी नाइट्स देखती नहीं हूँ और मुझे टाइम मिल गया, आज मैं आप लोग के लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ। अरे वाह, क्योंकि आपका नया सेट है जी और पहले सेट की क्या दशा हुई है, मैं चाहती हूँ कि वो कभी ना हो आपके साथ, इसलिए ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे हाउ स्वीट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फरा मैम, ये बताए नमा गणपति जी लेके आई हैं फरा जी हमारे लिए। और ये आपके लिए गुड लक ही नहीं लाएंगे, ये आपकी आपकी आपके सेट की, आपकी क्रू की, ऑडियंस की रक्षा भी करेंगे। थैंक यू सो मच फरा मैम। और आज से हमारे परिवार के साथ साथ गणपति जी भी इस घर में विराजमान होंगे। मैं इनको अभी प्लेस कर देता हूँ अच्छी सी जगह पे, यहाँ पे गणपति जी आप का आशीर्वाद रहे हमारे सर पे। इनके आशीर्वाद से शायद बुआ की भी शादी हो जाए क्या?